हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वरोचन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। जी, हम लोग वेस्ट बंगाल का ही सीरीज कर रहे हैं। पहले तो डिस्ट्रिक्ट वगैरह के बारे में बताएं, कल कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के बारे में बताएं, और थोड़ा सा हम लोग पीछे जाके पूरा इतिहास के बारे में देखें। पहला चीफ जस्टिस कौन थे हाई कोर्ट के, अच्छा पहली महिला कौन बनी वगैरह वगैरह। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग गवर्नर के बारे में बात करेंगे। पहले तो देखेंगे इनकमबेंट्स गवर्नर कौन है, और उसके बाद और भी बहुत सारा डिटेल देखेंगे। आइए, वेस्ट बंगाल का जो इनकमबेंट्स या अभी का गवर्नर है उनका नाम है सीवी आनंद बोस। ठीक है, अच्छा से याद रखिएगा, उनका नाम है सीवी आनंद बोस, जो कि 22 नवंबर के गवर्नर है। ठीक है, 22 नवंबर के। और इनका कहां से ये बिलोंग करते हैं, कोचीन जो कि अभी कोची है केरला, वहीं से बिलोंग करते हैं। और ये एक आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। ठीक है, एक आईएएस अधिकारी भी रह चुके, कभी भी पूछा जा सकता है। अच्छा, इससे पहले कौन था गवर्नर वेस्ट बंगाल के, ला गणेशन जी गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, बट वो एडिशनल चार्ज में थे, पूरा पूरी गवर्नर नहीं थे वो। एक्चुअली मणिपुर के गवर्नर जब थे तब उनको एडिशनल चार्ज दे दिया था वेस्ट बंगाल का गवर्नर संभालने का। ठीक है, बट अभी ये जो ला गणेशन है अभी ये कहां के है ये पूछा जा सकता है, क्योंकि हर स्टेट का गवर्नर चेंज होते रहता है। अभी ये नागालैंड के गवर्नर है। ओके, और ठीक उससे पहले कौन थे जी, जगदीप धनखड़। दो तीन पीछे का भी याद रखिएगा कि आजकल देखा जा रहा है, डब्ल्यूबीसीएस में भी हम लोग ने देखा, 2021 का भी करंट अफेयर पूछा जा चुका है मेंस में। ओके, तो जगदीप धनखड़ थे, उसके बाद ये एडिशनल चार्ज में ला गणेशन जो कि अभी नागालैंड में है, और उस टाइम मणिपुर के थे, और उसके बाद ये सीवी आनंद बोस जो कि 22 नंबर है। जो एडिशनल वाला रहता है ना गवर्नर का लिस्ट अब जाके देखेंगे, मैंने अभी देखा जाके, तो वहां एडिशनल वाले लोग का नाम नहीं रहता है। ठीक है, और ये जगदीप धनखड़ जी अभी कौन है, ये हमारे हिंदुस्तान के अभी वाइस प्रेसिडेंट है। ओके, और वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी कितना आपको मालूम है, अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। अब आता है इनका ऑफिशियल रेसिडेंस, गवर्नर कहां पर रहते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल हाउस में रहते हैं, प्रेसिडेंट हाउस में जो कि दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है, वैसे गवर्नर जितना भी ना हर स्टेट का उसका जो घर है उसको बोलते हैं राजभवन। ओके, तो इनका जो ऑफिशियल रेसिडेंस है राजभवन जो कोलकाता में है, आप लोग देखे भी होंगे जो लोग डलहौसी के आसपास से आना जाना करते हैं, तो ये राजभवन का पहले का नाम था गवर्नमेंट हाउस। ठीक है, क्या नाम था, गवर्नमेंट हाउस। और ये कौन बनाया था, 1803 में लॉर्ड वेलेसली जो थे वही इसको चालू किए थे। 1799 से इसका काम चालू हुआ था, 1803 में पूरा हुआ था। ठीक है, 10-12-13 लाख में पूरा कंप्लीट हो गया था, आज के दिन में तो कुछ हो गई नहीं, एक कट्टा जमीन नहीं मिलेगा। तो ये वेलेसली थे जब ये वाला राजभवन बना था, पहले का नाम था गवर्नमेंट हाउस। और इसका जो डिजाइनर है, हमेशा डिजाइनर भी पूछे जाते हैं, चार्ल्स वॉट इनका नाम था। ठीक है, चार्ल्स वॉट इनका नाम था, और क्या चीज से इंस्पायर्ड होकर बनाए थे, केडलस्टन हॉल जो कि डर्बी शायर में है। केडलस्टन हॉल जो कि किसका था मालूम है, लॉर्ड कर्जन का एंसेस्टर हाउस था। ओके, तो लॉर्ड कर्जन, देखिए इत्तेफाक देखिए, उनका एंसेस्टर हाउस से 1803 में ये बनाया गया है, और ठीक 100 साल बाद 1905 के करीब में लॉर्ड कर्जन थे वो आके यहां रहने लगे जब वो वाइसराय बन गए। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3-स्टोरेड बिल्डिंग है ये जो हमारा राजभवन है वेस्ट बंगाल का, 3 तल्ला बिल्डिंग है, 84,000 स्क्वायर फीट का फ्लोर स्पेस है। ठीक है, और पूरा जो एरिया है बाउंड्री जो दिया हुआ है 27 एकड़ लैंड में ये फैला हुआ है। आप देखेंगे तो बहुत सारे गेट भी, और गेट का बाहर दो लाइन भी बड़ा बड़ा बना हुआ है। और अभी तक इसमें मतलब आजादी का पहले तक, 1911 का पहले तक क्या हुआ था मैं बताऊंगा, 23 गवर्नर जनरल इसमें रह चुके हैं, और बहुत सारे वायसराय भी रह चुके हैं। वायसराय आपको पता ही है, नाम चेंज किए गए थे 1858 में, जब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से जो तख्ता है ब्रिटिश राज ले लेता है, 1858 अलाहाबाद में कॉरोनेशन होता है, तब वायसराय नाम किया जाता है। और 1911 में दिल्ली में दिसंबर का महीना था जब किंग जॉर्ज फाइव आए थे दिल्ली दरबार में, उसी में आखिरी में डिसाइड किया गया जो अब से कोलकाता जो है कैपिटल नहीं रहेगा, दिल्ली को कैपिटल बनाया जाएगा। 1911 का आखिर में डिसाइड होता है, 12 से ट्रांसफर हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट बात, ये जो गवर्नर हाउस है हमारा वेस्ट बंगाल का, यही पहला जो लिफ्ट है, हम लोग जो लिफ्ट अभी देखते हैं ना, ओटिस कंपनी जो बहुत बढ़िया कंपनी है, वो जो ओटिस कंपनी का पहला लिफ्ट इंडिया में 1892 में यहीं पर लगा था। ये अच्छा स्टैटिक है, पहला लिफ्ट इंडिया में कहां लगा था, ये गवर्नर हाउस कोलकाता में लगा था, इसको अच्छा से याद रखिए। और गर्मी का सीजन में, समर में, ये जो राजभवन एक दार्जिलिंग में भी है, जो भी गवर्नर रहते हैं वहां पर जाते हैं, आराम करते हैं, एक दो हफ्ता रहते हैं। वैसे दार्जिलिंग जरूर घूमिएगा, अच्छे से तैयारी करिए,
कोई कोई गया भी होगा, अच्छा से तैयारी करिए, जॉब पाइए, दार्जिलिंग जरूर घूमिए, कोई ना फेस कहा जाता है, बहुत ही बढ़िया जगह है। अच्छा अब आता है स्टैटिक में, पहले गवर्नर वेस्ट बंगाल के कौन थे, अभी तो सी वी आनंद बोस है, पहले थे सी राजा गोपालाचारी, ठीक है, सी राजा गोपालाचारी, वही सी राजा गोपालाचारी जिनको 1954 में पहली बार भारत रत्न मिला था, तीन जन को मिला था उसमें से एक ये भी थे, और ये इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, ओके, और ये सेकंड चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मद्रास के, जिसका अभी का नाम तमिलनाडु है, ठीक है, मद्रास के सेकंड चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वेस्ट बंगाल के पहले गवर्नर रह चुके हैं और हिंदुस्तान के लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। अच्छा पहली महिला जो कि गवर्नर बनी वेस्ट बंगाल की, उनका नाम है पद्मजा नायडू, ठीक है, ये फोर्थ गवर्नर बनी थी पद्मजा नायडू, और इनके ही नाम से दार्जिलिंग में एक जूलॉजिकल गार्डन भी है, ठीक है, यानी कि चिड़ियाखाना भी है, और इनका जो मम्मी थी उनको सब पहचानते हैं सरोजिनी नायडू, और वो भी पहली गवर्नर थी यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि अभी का जो यूपी है उसका पहली गवर्नर वो भी रह चुकी है, यानी कि मम्मी भी गवर्नर थी और बेटी भी गवर्नर, मम्मी थी यूनाइटेड प्रोविंस की पहली गवर्नर और बेटी पद्मजा नायडू वेस्ट बंगाल की फोर्थ गवर्नर, और ये सरोजिनी नायडू इनको सभी को मालूम है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और लिटरली मैंने लिटरेचर का बहुत कुछ लिखा है, गोल्डन थ्रेशोल्ड इन्होंने लिखा है, अच्छा इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद ये भी इनका लिखा हुआ है, अच्छा और एक है महेर मुनीर, महेर मुनीर एक पर्शियन लैंग्वेज में इनका पोएम लिखा हुआ है, प्ले है वो इन्होंने लिखा था, और एक है ब्रोकन विंग, ये सब कुछ खास खास है, ठीक है, ये सब सवाल में आता है, क्या क्या बोला, गोल्डन थ्रेशोल्ड, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, महेर मुनीर और ब्रोकन विंग, और भी बहुत सारा है आप लोग देखिएगा, और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है और भारत कोकिला भी कहा जाता है। अच्छा ये जो गवर्नर वाला मामला है ये हमारा संविधान का पार्ट 6 का चैप्टर 2 में आता है, ठीक है, और आर्टिकल 153 से लेकर 161 में आता है खास तौर पे, और भी हर जगह गवर्नर का जिक्र तो है ही, और ये गवर्नर को बंगला में क्या बोला जाता है मालूम है, राज्यपाल, अच्छा से याद रखिएगा राज्यपाल, ठीक है, ये गवर्नर को बंगाली में कहा जाता है रायाकर बरगुजॉय जौफला पायाकर लोपाल राज्यपाल, और जौफला का मैंने कहा था जब भी जौफला रहेगा तो यहाँ जो अक्षर रहेगा वो दो बार प्रोनाउंस होगा, जैसे कि राज्यपाल, ठीक है, ये अलग से पिक था राज्यपाल, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्यार बांटे, खुशियां बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे, देख लीजिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट अगर कुछ लेना हो तो।